कल जालंधर के ल्यूक चर्च के पादरी सुनील कुमार को विश्व पॉप ऑफ अमृतसर इन लिंकन चर्च ऑफ इंडिया बनाया गया है। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया CIPBC एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के सेम्बुल पीटर प्रकाश ने बिशप सुनील कुमार को सभी जिम्मेदारियां सौंपी और उनकी ताजपोशी की। लेकिन यहाँ एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल चर्च ऑफ इंडिया के बिशप जॉन एगस्टीन ने इस बात का खंडन किया है। उनका कहना है कि चर्च ऑफ इंडिया एक ऐतिहासिक चर्च है और उसका एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं है। इसका गठन 3 अक्टूबर 1991 को किया गया, जबकि चर्च ऑफ इंडिया एक ऐतिहासिक चर्च है और इंडियन चर्च एक्ट 1927 से गठित है। इसलिए चर्च ऑफ इंडिया का कोई भी संबंध एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया से नहीं है। माई मोस्ट रेवरेंड जॉन अगस्टिन, मेट्रोपॉलिटन ऑफ चर्च ऑफ इंडिया एवं बिशप ऑफ लखनऊ हूँ। आज मेरी संज्ञान में आया कि सुनील कुमार नामक व्यक्ति का सेंट लूक्स चर्च जालंधर में एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्सक्रेशन किया गया। एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया का चर्च ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं है। चर्च ऑफ इंडिया एक ऐतिहासिक चर्च है जिसकी स्थापना इंडियन चर्च एक्ट 1927 द्वारा की गई थी और एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया सैमुअल पीटर प्रकाश द्वारा 1991 में स्थापित की गई थी। उसका चर्च ऑफ इंडिया से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं बिशप पंकज कुमार ने भी इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाओं को एक साथ ना जोड़ा जाए। एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया का इंडियन चर्च ऑफ इंडिया से कोई भी संबंध नहीं है। मैं बिशप पंकज कुमार अमृतसर डायसिस का बिशप हूँ, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा शिलोंग, और हमारे मोस्ट रेवरेंड जॉन अगस्टिन चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन हैं। मुझे पता चला है कि हमारे प्रांत पंजाब में जलंधर में सेंट लूक चर्च में पुरोहित का कार्य करने वाले सुनील कुमार जी को बिशप सैमुअल प्रकाश जी ने बिशप जो है वो बनाया है एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया की तरफ से। एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया जो है वो चर्च ऑफ इंडिया के साथ उसको ना जोड़ा जाए, CIBB के साथ ना जोड़ा जाए, वो एक अलग संस्था है और जिसका हमारे चर्च ऑफ इंडिया के साथ कोई संबंध नहीं है। और सैमुअल बी प्रकाश जी ने एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया को 1991 में गठित किया था और चर्च ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐतिहासिक चर्च है और ये जानकारी हम सब आप सब हिंद के कलीसिया को देना चाहते हैं कि चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन ये एक ऐतिहासिक चर्च है और जिसका चर्च एंग्लिकन चर्च के साथ एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के साथ कोई भी संबंध नहीं।